नमस्कार दोस्तों सतरकाल आदाब मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूँ लेक्चर 29 अब हम बात करेंगे हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में सो so, बिना वक्त कब आए शुरू करते हैं राइट सो सबसे पहले हम यहाँ बात करने जा रहे हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में तो so, क्या कह रहा है हायर ऑर्डर फंक्शन होता क्या है वट इज़ हायर ऑर्डर फंक्शन भाई एक फंक्शन ही है जिसे हम हायर ऑर्डर फंक्शन का नाम दे रहे हैं अगर वो कंटेन करता है अदर फंक्शंस को एज अ पैरामीटर मतलब किसी दूसरे फंक्शन को पैरामीटर के तौर पे रखता अपने पास संभाल के रखता है या रिटर्न करेगा उस फंक्शन को आउटपुट की तरह अभी एग्जांपल देखते हैं ये अंग्रेजी देख लीजिए इस एग्जांपल देखेंगे तब आराम से समझ में आ जाएगा कि, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं जो हायर ऑर्डर फंक्शन है हमारे राइट right? जो हायर ऑर्डर फंक्शन है हमारा वो एप्लीकेबल है एक मिनट राइट right? वो हायर ऑर्डर फंक्शन हमारा एप्लीकेबल है किसके लिए फॉर फंक्शंस एंड मेथड्स एज वेल अब यहां मैं बात कह रहा हूं मेथड्स की राइट right? मेथड्स वो फंक्शंस होते हैं जो क्लासेस में डिक्लेयर होते हैं जैसे कि सबसे कॉमन मेथड क्लासेस का कौन सा है हमने डिस्कस किया हुआ है एके टीय डिजिटल एजुकेशन जो हमारा चैनल है आप इस पर है यहाँ पे वीडियो यहीं देख रहे हैं आप इसी पे आपको पैथन में, में मेरी वीडियो दिख जाएगी ऑब्जेक्ट ऑवटेड प्रोग्रामिंग या कॉन्सेप्ट की उप कॉन्सेप्ट की वीडियो दिख जाएगी क्लासेस की वीडियो दिख जाएगी और उसके अंदर मैंने मैथड्स भी बताया हुआ है तो मैथड्स क्या है आपका कुछ इस तरह के का ये तो डिफॉल्ट मेथड है इनिट नाम का जो कंस्ट्रक्टर होता है ऐसी जो फंक्शन क्लासेस से बन रहे उन्हें हम क्या करें मेथड तो नॉर्मल फंक्शंस और मेथड्स इन दोनों में हमारा एप्लीकेबल है और पाइथन भी सपोर्ट करता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ अदर या हायर ऑर्डर फंक्शन के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है कैसे करता है देखते अब जो फंक्शन है हमारा राइट right, वो एक इंस्टेंस हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का देखते हैं ये सारी ये क्या है ये प्रॉपर्टीज है विशेषताएं हैं ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी इन्हीं कारणों से हायर फंक्शन अलग बन के निकलता है तो पहली प्रॉपर्टी होगी कि फंक्शन जो है एक इंस्टेंस है कि एक उदाहरण बनता है किसी ऑब्जेक्ट टाइप का और आप उस फंक्शन को स्टोर कर सकते हैं किसी वेरिएबल में आप पास कर सकते हैं फंक्शन को एज अ पैरामीटर किसी दूसरे फंक्शन में यस गाइज यू कैन डू दिस यू कैन रिटर्न आप रिटर्न कर सकते हैं उस फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन से बिल्कुल आप रिटर्न कर सकते हैं पैरामीटर सेट कर, right? कर सकते हैं किसी का एज अ किसी फंक्शन दूसरे फंक्शन का पैरामीटर बना दीजिए या किसी वेरिएबल को असाइन कर दीजिए राइट इंसेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाएगा या पैथर्न या फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा आप उसको स्टोर कर सकते हैं किसी डेटा स्ट्रक्चर में जैसे कि हैश हैश टेबल टेबल लिस्ट वगैरह वगैरह बताया था मैंने डिक्शनरी कॉन्सेप्ट बताया था तो आपको डिक्शनरी की वीडियो इसी चैनल पर दिख जाएंगी राइट right? तो उसको जाके देख लीजिए अभी अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए तो ये पांच प्रॉपर्टीज मेरे यहां पर आती हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस की जो कि पैथन में काम आ रही है अब कैसे आ रही है उसको देखते हैं अभी हम लो जी पहला एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत है क्या है फंक्शन एज ऑब्जेक्ट कैसे कर रहा है भाई एक फंक्शन बनाया है डेफ नाम का ओके शाउट की बोर्ड के द्वारा शाउट नाम का फंक्शन बनाया टेक्स्ट वो एक ले रहा है और टेक्स्ट को अपर केस पे कन्वर्ट करने का काम इसका है इसको देखकर साफ तौर पर दिख रहा है ये एक स्ट्रिंग का फंक्शन है साफ तौर पर देख के दिख रहा है तो जो मैं पास करूंगा वो स्ट्रिंग पास करूंगा तो प्रिंट शाउट हैलो सिंपल अब तक आप जो नॉर्मल प्रोसीजर करते आ रहे हैं वो इसी तरीके से करते आ रहे हैं राइट right. अब क्या हो रहा है अब मैंने क्या कर दिया शाउट इक्वल टू यल भाई मैं शाउट कर रहा हूँ या यल कर रहा हूँ? बात एक ही होगी ना तो भाई यहां कर रहा हूँ, तो येल इक्वल्स टू शाउट तो अब क्या कर देगा अब मैंने प्रिंट कर दिया yell, hello. अब क्या हुआ इससे क्या मजे बा, बा, बात आ रही है मजे वाली बात आ रही है कि भाई मैं इसके थ्रू भी कॉल करूँगा तो इससे जो मेरा आउटपुट आ रहा था ये इसको कॉल करके क्या आ रहा था कैपिटल में हेलो आ रहा था आ रहा है लेकिन अगर मैं इसको करूँगा आफ्टर दिस स्टेटमेंट ये करने के बाद तो ये भी मेरा क्या आउटपुट दे रहा है कैपिटल में हेलो दे रहा है इसका मतलब क्या समझे आप क्या ये फंक्शन कॉपी हुआ नहीं फंक्शन कॉपी नहीं हुआ है गाइस या क्या हुआ है जहां पर एक वेरिएबल असाइन एक फंक्शन को वेरिएबल असाइन कराया गया उसको दिया गया कि अब आप असाइनमेंट जो है हमारा कॉल नहीं कर रहा फंक्शन को वो क्या कर रहा है एक रेफरेंस दे रहा है ये पाइथन क्या कह रहा है शाउट को कि शाउट साहब इधर आइए कहता तो हाँ जी साहब आ गया अब आप शाउट शाउट से कह रहा है अब आप येल नाम से भी पुकारे जाएंगे एक रेफरेंस हो गया कॉल नहीं कर रहा है फंक्शन इज कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल राइट और यहां पे असाइनमेंट जो है हमारा फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा है क्या कर रहा है एक रेफरेंस दे रहा है कि शाउट करूं या येल करूं बात एक ही है क्या ये बात क्लियर है क्या आपको समझ में आ रही है बात आ रही है तो अभी लाइक कर दो इस वीडियो को और कमेंट में मुझे बताओ कि आपकी बात समझ में आ रही है राइट right? चलिए आगे बढ़े लो जी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है दूसरा एग्जाम्पल भाई साहब ये कह रहे हैं हमारे कि अगेन शॉर्ट नाम का फंक्शन है अपर केस पे कन्वर्ट करेगा अब मैंने दूसरा फंक्शन एक और तैयार कर दिया मैंने कहा विस्पर ये टेक्स्ट को लोअर केस पर कन्वर्ट कर रहा है तीसरा फंक्शन बना दिया ग्रीट नाम का अब ये क्या कर रहा है ये फंक्शन को लेगा ये कैसे लेगा देखते हैं तो फंक नाम का मैंने कीवर्ड बना दिया यहाँ पर दे दिए मैंने कीवर्ड पास कर दिया अब मैं क्या करूँ स्टोरिंग द फंक्शन इन अ वेरिएबल पहले तो ये काम करूं जो मैं कर रहा हूं अभी मैंने पिछले उसमें किया था तो जो फंक्शन है मेरा फंक नाम का उसे मैं ये पास कर दिया हाई आई एम क्रिएटेड बाई अ फंक्शन पास एन आर्ग्यूमेंट यहां पर मैंने क्या दे रखा है बैक स्लैश दे रखा है ये इसे को बैक स्लैश कहते हैं जो बैक की तरफ पीछे की तरफ है तो बैक स्लैश फॉरवर्ड की तरफ इंक्लाइन है तो फॉरवर्ड स्लैश राइट तो बैक स्लैश मैंने दे दिया और ये बैक स्लैश क्यों दिया क्योंकि को मैं बता रहा कि साहब आप चिंता ना करें ये हाई से लेकर आर्गुमेंट और फुल स्टॉप तक ये एक ही सेंटेंस है बस मैं इसको दो भाग में लिखने का प्रयास कर रहा हूं सिर्फ दिखा रहा हूं लिखकर और इसको लिखकर दिखाने के लिए और पाठकों को बताने के लिए कि एक ही सेंटेंस है मैंने एक डिनोट कर दिया कि सिर्फ बैक्साइज के द्वारा बता दिया और उस प्रिंट स्टेटमेंट को मैंने प्रिंट शिप्ट के द्वारा ग्रीटिंग को मैं प्रिंट करा रहा हूं और इस फंक्शन के बाहर अब मैं क्या कर रहा हूं ग्रीट नाम का फंक्शन कॉल कर रहा हूं मैं और ग्रीट नाम का फंक्शन जैसे कॉल किया उसमें वो इसके पास गया पैरामीटर मैंने एक और फंक्शन दे दिया जो कि जाएगा इधर देख रहो क्या काम हो रहा है ये शाउट जाएगा इधर राइट और ये इधर और यहां से ये प्रिंट कराएगा आउटपुट तो मेरा आ जाएगा तो क्या आउटपुट आ रहा है देखिए ये देखिए अपर केस वाले किया था हाई आई एम क्रिएटेड बाय अ फंक्शन एज एन आर्गूमेंट है ना फंक्शन आर लाइक ऑब्जेक्ट इन पाइथन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये इसको लिख के रख लो फंक्शन आर लाइक ऑब्जेक्ट इन पाइथन फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है भाई पाइथन में देर फोर

विस्पर कॉल होगा विस्पर में क्या है लोअर केस है तो ये जो ग्रीट greet, ग्रीटिंग uh, नाम का जो मैं यहाँ पर वेरिएबल असाइन किया ये क्या कर रहा है इसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा देखिए हाई एम के फंक्शन पास एज एन आर्ग्यूमेंट तो ये हमारा शाउट का हुआ राइट right? और ये हमारा क्या हुआ नीचे वाला बताओ 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 हाँ बताओ शाउट हुआ नीचे क्या हुआ सॉरी <coughs> विस्पर हुआ तो ये हो गया विस्पर तो यहां पर मेरे पास एक फंक्शन ग्रेट है जो दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर इस्तेमाल कर रहा है शाउट और विस्पर इन दोनों का इस्तेमाल बारी बारी से कर रहा है और मुझे उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट प्रदान कर रहा है तो इस तरह का फंक्शन क्या कहलाता है हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाता है तो अभी तक हमने देख लिया कि भाई ये एज एन आर्गूमेंट भी पास हो रहा है एज एन ऑब्जेक्ट एज ए वेरिएबल भी असाइन को भी असाइन किया जा रहा है तो अब एक चीज़ और बचती है हमारी रिटर्न कैसे किया जा रहा होगा तो देखते हैं इसको हम लो जी फंक्शन को रिटर्न कैसे कराया जाए फंक्शन से रिटर्न तो हमने देख लिया एक बार फंक्शन का वीडियो देख लीजिएगा पार्ट वन और पार्ट टू दोनों बना रखें लेकिन फंक्शन को रिटर्न कैसे किया जाए भाई वो काम भी देखिए आपका अलग से देखिए मैं प्रोग्राम लेकर आया हूँ अगेन ट एडर राइट इस फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बना दिया मैंने वाई एक्स प्लस वाई रिटर्न कर देगा बाहर आ गए रिटर्न एडर कर दिया स्पेस देना पड़ेगा ना क्योंकि इसका खत्म हो गया अब इसका रिटर्न काम कर रहा है ये रिटर्न किसका है इस फंक्शन का ये रिटर्न किसका है इस फंक्शन का और ये आपको पता ही है पाइथन में कर्ली ब्रैकेट तो है नहीं तो इंडिटेशन का इस्तेमाल किया जाएगा आगे खिसकाया जाएगा बताने के लिए कि ये इसके नीचे ये इसके अंदर है ये इसके अंदर काम कर रहा है तो ऐड अंडर स्कोर पंद्रह मैंने एक वेरिएबल बना दिया जी बना दिया और मैंने क्रिएट एडर नाम का सॉरी क्रिएट आइडर नाम का मैंने फंक्शन कॉल कर लिया देखिए मैं इसको मिटा देता तो हूँ अच्छे से और अच्छे से देखिए आपके सामने लिख दिया तो क्रिएट आइडर नाम का फंक्शन मैंने कॉल कर लिया क्या वैल्यू दे रहा हूँ पंद्रह तो पंद्रह यहाँ पर चला गया चला गया जी अब उसके बाद मैंने क्या किया प्रिंट करा रहा हूं यह एड पंद्रह हो गया ना अंडरस्कोर पंद्रह इसमें टेन देख रहा हूं यहां <laughs> पर क्या चीज हो रही है एड पंद्रह दिया अब पंद्रह तो यहां चला गया टेन किस कहां जाएगा टेन जाएगा अंदर यहां पर क्या कर रहा हूं मैं इस फंक्शन को मैं एक वेरिएबल को असाइन कर रहा हूं और वो वेरिएबल भी एक पैरामीटर लेगा और वेरिएबल एज अ फंक्शन काम कर रहा है क्योंकि वो ऐड पंद्रह मेरा किसको कॉल कर रहा है एडर को करेगा कैसे करेगा देखो देखिए रिटर्न कर रहा है क्या कर रहा है जैसे मैंने क्रिएट एडर फिफ्टीन किया किसको रिटर्न कर रहा है ये इसको रिटर्न कर, कर रहा है किसको दे रहा है ऐड पंद्रह को एड अंडर स्कोर पंद्रह को मैंने क्या पकड़ा दिया फिर दस पकड़ा दिया देखो ध्यान से क्या हो रहा है मैं इसको मिटाऊं लो लो आपके लिए मिटा देता हूं ताकि अच्छे से उसको देख सको ये देखो क्या चीज हो रही है लो इतना कोई टीचर करेगा इतना तो कोई प्रोफेसर करेगा लो आपके लिए मैं कर रहा हूं लो करो इसको देखो क्या कर रहा है आर्डर है मेरा है ना इसको मैंने यहां पर पंद्रह से कॉल कर दिया तो ये पंद्रह वैल्यू किसके पास जाएगी एक्स के पास तो एक्स में क्या चला गया पंद्रह अब ये क्या कर रहा है ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है इसको रिटर्न कर रहा है फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है खुद के दिन डिक्लेयर किया हुआ था एडर को रिटर्न कर रहा है हाँ जी कर रहा है बिल्कुल बहुत बढ़िया तो रिटर्न कर रहा है ये तो रिटर्न करके कर किसके पास आएगा ये भी अब ये नाम हो गया मतलब फंक्शन रिटर्न हो गया एड पंद्रह को क्या ये सिमिलर स्टेटमेंट आपको नहीं लिख रही ये देखिए एड एंडोर पंद्रह इक्वल्स टू एडर ठीक है ये चीज़ नहीं लग रही अभी हमने असाइन किया था ना फंक्शन को किसी वेरिएबल को असाइन किया गया तो फंक्शन वेरिएबल का असाइन हो रहा है ना यहाँ पर फंक्शन वेरिएबल को असाइन हो रहा है और इसके अंदर हमने क्या कॉल कर दिया टेन कॉल कर दिया ये टेन मेरा किधर जाएगा वाई में जाएगा तो वाई कॉल्स टू टेन और मेरा आउटपुट क्या जाएगा ट्वेंटी फाइव क्या कहते हो है ना लोजे आउटपुट यहां मैंने दिखा भी दिया आपको यहाँ पर एक दो कैरेक्टर स्पेस का आउटपुट आ रहा है तो मैंने यही आपको कोने में दिखा दिया कि दिस इज द आउटपुट इसका आउटपुट क्या है मेरा ट्वेंटी फाइव तो अब इसकी जो अंग्रेजी मैंने बगल में लिखी है इसको जरा पढ़ लें जो मैं बात कर रहा हूं वो यही लिखा है मैंने राइट फंक्शन आर एज फंक्शन आर ऑब्जेक्ट्स चूंकि फंक्शन ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है वी और सिर्फ ये पाइथन में है ये संभव बता रहा हूँ ये जो प्रणाली है जो सुविधा है, ये पाइथन में मिलने वाली है और से भी नहीं मिलने वाली वी कैन ऑल्सो रिटर्न अ फंक्शन फ्रॉम अनादर फंक्शन हम कर सकते हैं और जब हमने करके देखा तो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ क्रिएट एडर फंक्शन रिटर्न कर रहा है एडर फंक्शन को यही कर रहा है ना देखा ध्यान से अब थोड़ा बैक करोगे वीडियो को ये जो मैंने मिटा रखा था कुछ नहीं दिखाया था अब इस प्रोग्राम को लिखो खुद से आउटपुट जनरेट करो खुद मुझे बताओ कमेंट सेक्शन से बताना कि कैसा लगा राइट समझ में आ गया होगा अब है ना रिपीट करके सुन लो है ना चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं पाइथन के लैमडा फंक्शंस की क्या होते हैं लैमडा फंक्शंस हमारे ये अलग प्रकार के फंक्शन है नाम ही बड़ा शानदार तरीके लैमडा आपने साइंस में पढ़ा होगा लैमडा फंक्शन मैथ्स में पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से ये ग्रीक लेटर जो लैमडा होता है इसको डिनोट करते हैं राइट और लैमडा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा लैमडा हमारा वेवलेंथ को भी कहते हैं है ना डिनोट करते हैं वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हमने पढ़े होंगे लाइट के केस में पढ़ा होगा तो पैथेगा जो लैम्डा फंक्शन है हमारे वो एनोनिमस फंक्शन होते हैं एनोनिमस एनोनिमस का मतलब क्या हो गया कोई बताएगा एनोनिमस का मतलब क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइए एनोनिमस का मतलब क्या हुआ गुप्चो गुप्चो अपना कर रहा है गुमनाम है मतलब वो नाम नहीं देना चाहता अपना वो बताएंगे चाहता कि मैं यार मैं कुछ हूँ वो कहता है मैं फंक्शन हूँ बिना नाम का फंक्शन हूँ मैं तो भाई एनोनिमस सूम मैं इसका ना फंक्शन का कोई नाम नहीं है कोई नाम नहीं हाँ काम है फंक्शन का, का काम है लेकिन नाम नहीं है नाम से क्या मतलब है आपके नाम से क्या मतलब आपके काम से मतलब है मुझे आप किसी कहाँ के रहने वाले हैं किधर के हैं किस प्रजाति किस जाति के हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी बुद्धि आपके काम से फर्क पड़ता है तो वही बात देखिए यहाँ पर पाथर नाम को सिखा रहा है कि पाथर का लांडा फंक्शन ऐसा है जो बिना नाम का है लेकिन काम बड़ा प्रभावी करता है राइट तो हमें ये ऑलरेडी पता है है ना कि जो डेफ कीवर्ड है वो एक नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करने के लिए पैथन में कार्य में लाया जाता है काम किया जाता है उसका लेकिन उसी तरह उसी तरह जैसे डेफ कीवर्ड हमारा नॉर्मल फंक्शन बना रहा है उसी तरह लैमडा जो कीवर्ड है मेरा वो डिफाइन करता है किसको फंक्शन पाइथन में डिफाइन करता है देखें इसको एग्जांपल देखें लो जी कुछ नहीं करना <laughs> बहुत आसान कर रखा आपके लिए मैंने एफ a टू है और आगे कोलन लगा दिया और मैंने कह दिया a स्टार a स्टार का मतलब क्या हो गया इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ए ए टाइम्स तो ये मेरा आर्गुमेंट हो गया ये मेरा हो गया कीवर्ड और ये मेरा फंक्शन का ऑब्जेक्ट भैया ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है हर फंक्शन का पाइथन में तो हमने ऐसे कर दिया और पैथन ऑब्जेक्ट फंक्शन जो है एक्सेप्ट कर रहा है स्टोर कर रहा है रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ये वन लाइन एक्सप्रेशन है एक लाइन का अच्छा इस तरह के फंक्शन आपको सी प्लस प्लस देखने को मिलेंगे सी प्लस प्लस में एक फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं इनलाइन फंक्शन इनलाइन फंक्शन पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना या किसी से पूछ लेना इनलाइन फंक्शन की तरह ही एक थोड़ा सिमिलरली आपको दिखेगा इस चीज का फंक्शन दिखेगा तो लैमडा आर्गुमेंट्स एंड एक्सप्रेशन सिंपल जो भी आर्गुमेंट हमको देने हैं उसके आगे कोलन लगाना है उसका आगे सीधा मुझे एक्सप्रेशन लेना है, है। अब एग्जाम्पल ये तो मैं हमने देखा सिंटैक्स अब ये जो फंक्शन है मेरा है ना इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने नंबर के ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं बट ओनली वन एक्सप्रेशन आर्ग्यूमेंट्स है कितने ले लो आर्ग्यूमेंट बहस करने में आर्ग्यूमेंट नहीं पैरामीटर की बात कह रहा हूं आप कितने पैरामीटर ले लीजिए पर एक्सप्रेशन एक ही होगा कितने ही पैरामीटर एक्सप्रेशन एक ही होगा जो कि वैलिड होगा और रिटर्न किया जाएगा आप कोई भी फ्रीली इसका इस्तेमाल कर सकता है बहुत ही बेदड़क आप इसका इस्तेमाल करिए लैमडा फंक्शंस का जहां पर फंक्शन ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन फंक्शन का नाम आपको नहीं देना तो लैमडा कीवर्ड से आप बिना नाम का फंक्शन कॉल या सिर्फ बना सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम्पल देखें इसका चलिए देखिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहता है एग्जाम्पल इसका यह मैंने बना रखा सीफल पाचन कोर्स बना रखा है राइट right, ये मेरा खुद का है इसको छोड़ दे यहां ध्यान देते हैं लैमडा फंक्शंस के ऊपर हाँ स्ट्रिंग दे दी मैंने क्या स्ट्रिंग दी मुझे और कुछ ध्यान आया नहीं चूँकि मैं पाइथन से बेहद मोहब्बत करता हूँ तो मैंने लिख दिया आदित्य लव्स पाइथन विदाउट एनी स्पेस ए कैपिटल कर दिया एल कैपिटल कर दिया और पी कैपिटल कर दिया और मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया आदित्य लव्स पाइथन और मैं अब क्या कह रहा हूँ इसको मैं इस तरह से मैं कॉल करूंगा कैसे करूंगा प्रिंट करा रहा हूं सीधा लैमडा स्ट्रिंग लैमडा कीवर्ड दे दिया स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ यही और इसी स्ट्रिंग को दोबारा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा मैं इसके अंदर नथिंग ना मैं लेंथ कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ स्ट्रिंग को लिया स्ट्रिंग को दिखा दिया काम खत्म और बिना नाम का फंक्शन बनाने के लिए मैंने क्या की वर्ड इस्तेमाल किया लैमडा तो so, क्या हो रहा है यहाँ पर लैमडा इज नॉट बींग कॉल्ड बाय द प्रिंट फंक्शन लैमडा प्रिंट फंक्शन के द्वारा कॉल नहीं हो रहा पर सिंपली रिटर्निंग द फंक्शन ऑब्जेक्ट एंड मेमोरी लोकेशन जहां पे स्टोर किया जा रहा है उसके द्वारा कॉल हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट दिया गया कि भाई साहब आपकी जगह यहां पर है आपको मेमोरी लोकेशन दी गई और आप किससे जाने जाएंगे वो आपका आइडेंटिफायर क्या है आपका आईडी कार्ड क्या है आईडी और आपको पता ये दो चीजें ये दी गई हैं फंक्शन को कहता आप आपको नाम की जरूरत नहीं आपको एक आईडी नंबर मिल गया जो कि फंक्शन ऑब्जेक्ट हो गया और दूसरा मेमोरी लोकेशन वो बता दी गई और इसके काम काम ख़त्म हो गया प्रिंट स्टेटमेंट के द्वारा आप इसको कॉल कर सकते हैं आप मतलब प्रिंट नहीं कर रहा लैमडा खुद ही काम कर रहा है तो मेक द प्रिंट टू प्रिंट द स्ट्रिंग फर्स्ट वी नीड टू कॉल द लैमडा पहले हमने किसको कॉल किया लैमडा को बुलाया कभी आ जा सो दैट द स्ट्रिंग विल गेट टू पास द प्रिंट राइट ये चीज़ होगी अब इसका आउटपुट क्या आ रहा है इसको मैंने आइडियली थ्री पॉइंट टेन पे मैंने रन करके देखा आइडियली बता चुका हूँ आपको मैं राइट इंडिकेटेड डेवलपमेंट लाइट एनवायरमेंट फंक्शन लैमडा एट दिस ये क्या रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग रिटर्न नहीं कर रहा फंक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न कर रहा है फंक्शन लैमडा कहां बैठा हुआ है इस मेमोरी लोकेशन में बैठा हुआ देखिए मेमोरी लोकेशन कैसे निकल रही है क्योंकि मेरा 64 फोर बेड कंप्यूटर है तो मेरे का आउटपुट कुछ इस प्रकार का आ रहा है आपका थर्टी टू बिट होगा या किसी और में करोगे जुपिटर में रन करोगे तो अलग आउटपुट आएगा गूगल कॉल ऐप पर करोगे तो अलग आउटपुट आएगा आई पे करोगे अलग आएगा स्पाइडर पे करोगे तो अलग आएगा, तो आएगा सब पे करोगे अलग अलग ही आएगा क्योंकि हर कोई हर प्रोग्राम हर जो आपका आई जो आई है वो अलग प्रकार से मेमोरी को मैनेज करता है चूँकि आइडियली सीधा सिस्टम की रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा है तो मेरा सिस्टम के जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये एड्रेस उसको मिल गया क्या ये बात क्लियर हो रही है पैथल लैंडा फंक्शंस की वेरी गुड और देखिए अब मैंने क्या किया आदित्य लव्स पैथन मैंने कर दिया और मैंने क्या कर दिया प्रिंट एक्स और बाद में एक्स कर दिया ये क्या हो रहा है लैंडा गेट्स पास टू प्रिंट लैमडा को पास कराया गया प्रिंट करने के लिए क्या किया करने के लिए देखो यह अलग हो गया और यह अलग हो गया सीधा कि प्रिंट एक्स करके कॉल करो राइट या एक्स इक्वल्स टू लैमडा एक्स ऐसे करके भी मैं कर सकता था या सीधा मैंने कॉल कर दिया क्या कर रहा है ये आदित्य सीधे सीधा इसने प्रिंट करा दिया और मुझे ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग कराना था मुझे क्या कराना था मुझे आंसर चाहिए था तो आंसर मैंने इस इसके थ्रू करा दिया इसको आप खुद करके फंक्शन कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है पर मैं क्या इसमें है? है। वैल्यू शो, शो इस कौन सी रखी हुई है तो वैल्यू दिखाने के लिए मैं अलग से इसको यह किया अगर मैं ये ना करता तो क्या देता मुझे मुझे फंक्शन ऑब्जेक्ट पकड़ा देता पिछली बार की तरह चूँकि मुझे उस पर बैठी वैल्यू चाहिए कि एक्स के पास क्या है उसका पता तो है मेरे पास लेकिन उस पते पे क्या है क्या कंटेंट है वो कंटेंट मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ तो वो कंटेंट मेरा एक्स का जो कंटेंट दे रहा है यहाँ पर दिखा रहा है तो ये हो गया हमारा लैम्डा फंक्शन का एक और एग्जाम्पल क्या बात क्लियर हो रही है आप लोगों अच्छा लैम्डा फंक्शन और डेफ डिफाइंड फंक्शन में फ़र्क क्या है ये क्यूब मैं ना निकाल रहा हूँ वाई इन y वाई इंटू वाई और लैमडो क्यूब में कैसे निकाल रहा हूँ लेट वाई का क्यूब तो एक तरीका ये है ये दो लाइन में हो रहा है ये एक लाइन में काम हो गया मेरा प्रिंट कर रहा हूं क्यूब पंद्रह क्यूब फाइव दे दिया तो फाइव का क्यूब क्या आ गया दो सौ पच्चीस है ना और ये ये भी 225 आएगा लेकिन ये एक लाइन में हो गई ये दो लाइन लगी इसको उसके बाद ये उसको कॉल कर दिया और यहाँ से भी मैंने कॉल कर दिया सिंपल और अब देखिए विदाउट यूजिंग लैमडा विद यूजिंग लैमडा ये दोनों मैंने देखे कर दिए यूजिंग लैमडा विदाउट लैमडा कैसे काम कर रहा है दोनों का देखे दे दिया तो स्लाइड नंबर बारह पे मैंने विदाउट का बताया हुआ है और स्लाइड नंबर तेरह पे मैंने बताया हुआ है यूजिंग लैमडा तो आपको वो दिक्कत होगी यहाँ पर आप पॉज करके देख लीजिएगा चलिए एक और एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया मैं यहां पर ये देखिए लैमडा एक्स एक्स टाइम्स टेन फॉर एक्स इन रेंज वन टू इलेवन एक से लेकर ग्यारह तक चलेगा और हर एक का ये यहां से उठाता जाएगा एक्स को सॉरी यहां से उठाएगा एक्स को देखिए मैं इसको मिटा के बताता हूँ दोबारा से ये देखिए ये देखिए ये एक्स को उठाएगा यहां से और एक्स का टेन टाइम्स करता जाएगा तो वन से लेकर टेंथ तक जाएगा इलेवन नहीं जाएगा टेंथ तक जाएगा बताया तो आपको रेंज फंक्शन कैसे काम कर रहा है और प्रिंट टेबल प्रिंट करता जाएगा तो उसका आउटपुट आपको देखना है तो कैसा आएगा आउटपुट ये आउटपुट आप मुझे खुद बताइएगा कैसे आएगा आउटपुट इसका मैंने आप आउटपुट आप, आप, आपको नहीं दिया है ये लिस्ट comprehension के द्वारा मैं कर रहा हूँ कि लिस्ट comprehension, ये लिस्ट क्रिएट कर देगा मेरी एक से लेकर दस तक के नंबर और दस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दस से लेकर सौ तक के नंबर क्रिएट हो जाएंगे और एक लिस्ट मेरी बन तैयार हो जाएगी तो लिस्ट कॉम्पिनेशन में जो आपके मैंने वीडियो बनाई हुई है लेस्ट कॉम्पिनेशन की वो आप देख लीजिएगा दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं विद इफेल्स राइट देखिए इफेल्स दे दिया दो पैरामीटर पास कर दिए एक्सप्रेशन दे दिया कि ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी एल्स बी क्या इसको देख के आपको टर्नरी ऑपरेटर याद नहीं आ रहा जैसे लिस्ट कॉम्पिनेशन में भी ऐसे किया था इसी तरीके से यहां भी ऐसे हो रहा है और वो ए किसको असाइन हो जाएगा मैथ्स को या फिर बी असाइन हो जाएगा मैथ्स जो भी कंडीशन रहेगी वन या टू में से जो बड़ा होगा वो मैक्स को साइन हो जाएगा और मेरे को आउटपुट दे देगा एग्जाम्पल नंबर थ्री लिस्ट ऑफ लिस्ट दे रखा है देखो तीन लिस्ट है एक लिस्ट के अंदर सॉर्टेड कर दो हर एक आई को इन एक्स राइट एक्स को उठाएगा हर एक को सॉर्ट कर देगा हर एक को सॉर्ट कर देगा उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होने के बाद सेकेंड लार्जेस्ट निकालेगा एक्स और एफ ले रहा है क्या कर रहा है लेंथ ऑफ कौन सा लिया था बताऊंगा पर पर फॉर इन फंक्शन पास कर रहा F X में कर ऑफ में रहा हूं मैं तो ये क्या कर रहा है मेरा यही वाला है एक्स यहां से उठाएगा इसके सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट को ढूंढ कर निकालेगा और यहाँ पे मुझे लिस्ट और शॉर्ट लिस्ट दोनों मुझे बनाकर दिखा देगा सेकेंड लार्जेस्ट रिजल्ट मेरे मुझे दिखा देगा कि भाई इनमें से कौन सा बड़ा है कि लिस्ट और शॉर्ट लिस्ट में दोनों में से मुझे बताओ सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है और उसका रिजल्ट मुझे प्रिंट करा कर दिखा देगा इसका आउटपुट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये आप लोग के लिए एक्सरसाइज है ये सो धन्यवाद इस लेक्चर के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं अच्छे से आपको तो अब आपको समझ में आ जाएगा अच्छा इन एग्जांपल्स के मैंने आउटपुट नहीं दिए वो जानबूझ कर नहीं दिए ताकि आप खुद प्रैक्टिस करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप इसका जवाब क्या आया और क्यों आया तो आप खुद ही दूसरे की मदद करें राइट मिलते हैं अगले लेक्चर में धन्यवाद